से लिपटी बेड़िया समझना इनको वस्त्र तू, बेड़िया पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा। गणेश चतुर्थी पर हम सब लोग पुरानी लोकसभा के भवन को छोड़कर नए भवन के अंदर हम सब लोगों ने प्रवेश किया है और उसमें सबसे पहले जो बिल आया है वो महिला आरक्षण पर आया है। इस बात के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं। आदरणीय सभापति महोदय, ये एक ऐतिहासिक बिल है और भारत की महिलाएं आश्वस्त थी कि ये काम अगर कोई कर सकता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, क्योंकि बीते कालखंड में भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी संकल्प किए हैं उन सब को सिद्ध करने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारी भाजपा की सरकार ने किया है, संकल्प से सिद्धि की ओर। मैं कहना चाहती हूं सभापति महोदय कि ये अमृत काल की बेला है। इस अमृत काल में हम जिस तरह से शनै शनै विकसित भारत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं उसी की एक वानगी है कि ये जो बिल इस नई लोकसभा के अंदर प्रस्तुत हुआ है। आदरणीय सभापति महोदय, सबसे पहले हमारे दुबे जी ने हमारी पार्टी की तरफ से इसमें अपने विचार रखे और उन्होंने बताया कि उनके माताजी एम्स में एडमिट हैं, तो मैं भी ये कहना चाहती हूं कि हम जिस उम्र में हैं, मेरी माताजी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वहां से मुझे लगता है कि वो अपनी बेटी को बोलते हुए जरूर देख रही होंगी। उन्होंने 9 महीने तक मुझे अपनी कोख के अंदर रखा और हर मां अपने बच्चे को कोख में रखती है। एक मां जो है उसका फ्लैश और ब्लड वो लड़के को भी उतना ही मिलता है जितना लड़की को मिलता है, तो इसलिए मां प्रकृति ने कोई भेदभाव जो है वो आदमी या औरत में नहीं किया। तो मैं मेरी माता जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने मेरे अंदर जो आत्मविश्वास पैदा किया। हम लोग 4 बहन भाई हैं सभापति महोदय, 2 बहनें और 2 भाई, लेकिन हमें आज तक ये महसूस नहीं हुआ कि हम महिलाएं हैं या हम लड़की हैं तो किसी भी मामले में हम कमतर हो सकती हैं। तो जो आत्मविश्वास हमारी माता जी ने, क्योंकि मां प्रथम गुरु होती है, हमारे अंदर पैदा किया, उसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे संगठन ने समझा और परखा और 2014 के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना अभिन्न अंग बनाया। मैं तहे दिल से इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करना चाहती हूं सभापति महोदय। सभापति महोदय, नारी को देवी की तरह पूजा जाता है, हमारे प्राचीन उसमें आपने सुना ही होगा, हम कहते हैं कि या देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध देवी मात्र जग तो अखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाही विश्वम तो मीश्वरी देवी चराचरस्य। इस पूरे चराचर के अंदर जो है वो मां प्रकृति मां भगवती है जो विराजमान होती है, बिना किसी भेदभाव के होती है। लेकिन सभापति महोदय, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि आज हम उस मंत्र से यहां पहुंच गए हैं जिसमें हम कहते हैं कि उसे हम पर तो देते हैं मगर उड़ने नहीं देते, हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है। हम कहां से कहां पहुंच गए सभापति महोदय। मैं ये कहना चाहती हूं सभापति महोदय कि आज जो ये बिल यहां पर प्रस्तुत हुआ है, आज रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, अरुणा असफ अली, सुमित्रा महाजन जी, सुषमा स्वराज जी, हमारी सुचेता कृपलानी जी जो कि हरियाणा से ही थी, कल्पना दत्ता जी और हमारी बहुत सी फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने बहुत मेहनत की, आज वो बहुत इस बात को लेकर सुकून महसूस कर रही होंगी कि आज जो है ये बिल 27 सालों के बाद लोकसभा के अंदर जो है वो आया है। सभापति महोदय, एक जिक्र जरूर करना चाहूंगी
मातंगिनी हाजरा जी का 1942 के अंदर जब क्विट इंडिया मूवमेंट आया, उन्होंने 5000 गांव वासियों को एकत्रित किया और जब अंग्रेजों ने देखा कि 5000 जो है वो भारतीय इस तरह से एकत्रित हो गए हैं तो उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। सभापति महोदय, मातंगिनी हाजरा जो थी उनके हाथ में तिरंगा था, एक एक करके 3 गोलियां उनको लगी लेकिन वो जमीन पर गिर गई, उन्होंने तिरंगे को नीचे नहीं गिरने दिया। ऐसी ऐसी हमारी फ्रीडम फाइटर, हमारी जो महिला वीरांगनाएं हैं, उन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। तो मैं सभापति महोदय ये कहना चाहती हूं कि हम आज जो इस बिल को लेकर आए हैं, हमें हर किसी को दलों से ऊपर उठकर इसका समर्थन करना चाहिए। नाउ प्लीज कंक्लूड मैम। सभापति महोदय, मैं अपने पार्टी की तरफ से दूसरी बोलने वाली हूँ। आप इट्स ओके, इट्स ओके। नहीं, मुझे समय दिया गया है। प्लीज 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 सभापति महोदय, मुझे बोलने दीजिए। no. ये महिलाओं का बिल है और आप अगर महिलाओं को ऐसे रोकेंगे तो मुझे लगता है बहुत सी महिलाओं को इसमें तकलीफ होगी। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ द एलोकेशन ऑफ द टाइम बाय द पार्टी। प्लीज सभापति महोदय, महिलाओं के बारे में आप इनको प्लीज मुझे समय दीजिए। प्लीज प्लीज सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहती हूँ कि महिलाओं के बारे में सबसे ज्यादा अगर किसी ने चिंता की तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की, ज्योतिबा फुले ने की, सवितरबाई फुले ने की। बाबा साहब ने कहा था कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन बाय डिग्री ऑफ प्रोग्रेस इट्स वुमेन हैव अचीव्ड। और अब अगर किसी ने चिंता की है तो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। 2007 के अंदर जब वो गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वुमेन को, महिलाओं को जो है वो रिजर्व गार्ड, जो वहां पर जो गार्ड है फॉरेस्ट गार्ड वहां पर नियुक्त किया। सभापति महोदय, वो ऐसा क्षेत्र था जहां पर पुरुष प्रधान पुरुष क्षेत्र है लेकिन फिर भी महिलाओं को 2007 के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय में जो है वहां पर नियुक्ति दी थी। और आज अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप ये देखिए कि हरियाणा की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया। और उस समय में 2014 के अंदर जो सेक्स रेशो 918 पूरे भारतवर्ष के अंदर था, आज 2022-23 के अंदर वो 933 है। और हरियाणा के अंदर जो 871 था आज वो 923 है। माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो हृदय से जो बात कहते हैं, वो सब के सब लोग किस तरह से उसको हृदय से मानते भी हैं। इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ सभापति महोदय कि हमारे मंत्रिमंडल में आज 12 महिलाएं हैं, हमारे सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। और 2014 के जब हमारी सरकार बनी थी तो उसमें सबसे बड़े मंत्रालय जो है वो चाहे विदेश मंत्रालय था चाहे वो उसमें रक्षा मंत्रालय था, वो महिलाओं के पास था। आज सबसे ज्यादा राज्यपाल जो हैं वो हमारी सरकार में हैं। ये ओहदे ही हैं जो बताते लफ्ज़े बयां को खास, ये ओहदे ही हैं जो बनाते हैं लफ्ज़े बयां को खास, वरना कौन सुनता है यहाँ औरत की बात। माननीय सभापति महोदय, इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इसलिए ये जरूरी है कि ओहदे मिलने चाहिए, राजनीति के अंदर महिलाएं आगे आनी चाहिए, नहीं तो उनकी बात कोई नहीं सुनता है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूँ 2004 के अंदर यूपीए सरकार जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर जो है वो सबसे पहले उन्होंने रखा था कि हम वुमेन रिजर्वेशन बिल लेकर आएंगे। और 2006 मई 2008 के अंदर राज्यसभा में टेबल किया गया और उसके बाद 9 मई 2008 को स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। 17 दिसंबर 2009 को स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और फरवरी 2010 को यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दी। सभापति महोदय, 9 मार्च 2010 को राज्यसभा में पास किया गया 186-1 को लेकर। मैं सबसे पहले तो बल्कि ये देखना चाहती हूँ कि वो एक महानुभाव कौन था जिसने महिला रिजर्वेशन बिल के खिलाफ वोट किया। इसके साथ सभापति महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि लोकसभा में ये रिपोर्ट किया गया, समाप्त कीजिए प्लीज। तो एक मिनट के लिए सभापति महोदय, सिर्फ मेरे को 2 मिनट और चाहिए। कम्युनिकेट किया गया लेकिन उसके ऊपर उसको कंसीडर नहीं किया गया। इस बात का जवाब कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। थैंक यू। ये क्यों श्रीमती वीणा देवी जी, सभापति महोदय, लास्ट में मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए महिलाएं जो है, लास्ट में बस एक बात कहना चाहती हूँ, 1 सेकंड मिला जी, कि जो ये बिल लाया गया है इसमें हर दल से ऊपर उठ के सभी महिलाओं को जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। बहुत अच्छी एक छोटी सी कविता 2 लाइनों में खत्म करना चाहती हूँ, जिसको अमिताभ बच्चन जी ने गाया है कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है,
धन्यवाद। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। धन्यवाद। बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। बहुत बहुत धन्यवाद सब। धन्यवाद।